कुक्षी के समीप सीलकुआ ग्राम पंचायत के दिव्यांशी बाल गृह से चार बालक 18 दिन पूर्व क्षेत्र की प्रसिद्ध निजी शिक्षण संस्था जमुना देवी पब्लिक स्कूल से अचानक रहस्यमय तरीके से भाग गए। इस घटना में सबसे चौंकाने वाला यह मामला है कि स्थानीय पुलिस थाने में FIR बच्चों के भाग जाने के 17 दिन बाद बाल गृह अधीक्षक ने दर्ज करवाई। सत्ता पक्ष के कुछ वजनदार लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने से यह मामला काफी संदेह के घेरे में आ चुका है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय जमुना देवी के नाम से स्कूल चलाने वाले एक पूर्व कांग्रेसी नेता के सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साठगांठ भी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्वर्गीय जीतू किराड़े की स्मृति में आदिवासी बहु विकास संस्था द्वारा संचालित इस बाल गृह में उच्च स्तरीय वजनदार लोगों का हस्तक्षेप उसकी आंतरिक अव्यवस्थाओं की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है। जमुना देवी पब्लिक स्कूल के प्रमुख जावेद कुरैशी से हमारे संवाददाता ने बाइट हेतु मोबाइल पर अनेकों बार संपर्क करने के बजाय बावजूद वह प्रतिक्रिया देने के बजाय उल्टा मीडिया कर्मियों को धमकाते रहा। ये सिलकुआ जो अलीराजपुर रोड है कुक्षी में, यहाँ पे एक दिव्यांश बाल गृह है और यहाँ पे करीब 2-2.5 साल से आश्रम चल रहा है। इसमें बच्चे रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको अलग अलग जैसे उज्जैन और धार आदि जगह से यहाँ सितम्बर को, उसके बाद फिर स्कूल में रिसेस होने के उपरांत वहाँ से ये बच्चे चारों भाग गए वहाँ से स्कूल से। तो ये जो इसके संचालक हैं राकेश अलावा, इनके द्वारा फिर अभी 15 दिन तक ये ढूंढते रहे बच्चों को। इसमें से चार में से एक बच्चा इनको सूरत में से मिल गया था, तीन बच्चे नहीं मिले। तो फिर इनके यहाँ पे फिर आने के बाद रिपोर्ट लिखाई गई है, थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है।